इसका थर्ड नंबर है 29 का, ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। इसका LHS या RHS लेके किसी से भी आप सॉल्व करते हैं। RHS ही आपको इजी लग रहा था, RHS ले लो। tan a माइनस tan x माइनस b, सॉरी tan x माइनस b माइनस tan x माइनस a, बाई में है आपका साइन a माइनस b, यही ना है। ऊपर साइन कॉस में चेंज करो, हमें यही ना प्रूव करना। चलिए देखते हैं, साइन x माइनस बी बाई में कॉस x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए बाई में कॉस x माइनस ए, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, साइन a माइनस बी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ऊपर हम लोग LCM ले लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखिए, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ, कॉस एक्स माइनस बी इंटू में कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है। इसमें सिर्फ एक का जगह जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस बी इंटू में कॉस एक्स माइनस ए, माइनस इसमें डिवाइड एक का जगह जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस एक्स माइनस बी इंटू में साइन एक्स माइनस ए। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ऊपर ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ आ गया साइन ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे देखो ये इसके साथ आ जाएगा साइन ए माइनस बी इंटू में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। चलिए अब ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस का ए, और नीचे आपका है साइन ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। चलिए यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन ए माइनस बी और बाई में नीचे साइन ए माइनस बी इंटू में कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। ये इससे कट जाएगा वन, तो ऊपर आ गया वन और नीचे है आपका कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। यही ना हमें LHS में लाना था, हमने ला दिया, प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है।